स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए स्ट्रेस्ड वायर कैसा होगा। आइए बेटे एनालिसिस करें डिटेल में। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए मेटेलिक वायर। बेटा आपको एक बेटे मेटल का वायर दिया गया है। यहां पे आप मेटल के वायर के साथ साथ स्टील का वायर भी चूज कर सकते हो। जैसे हम ऑलरेडी बेटे प्रीवियस डेज में डिस्कस करते आ रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए ये आपका बच्चों रिजिड सपोर्ट है और आपने रिजिड सपोर्ट से विद द हेल्प ऑफ ए हुक एक मेटल का वायर या स्टील का वायर भी हम ले लेते हैं। जब आप अपनी लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टील वायर या आपका बेटे जो है कंस्टेंटन या मैगनीन का वायर आपको जो है वहां पे अवेलेबल होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इनके कल भी हमने बेटे बात की थी इन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है एंड आई होप कि आपने जरूर देखा होगा, है ना बेटा। उसको एक बार देख लेना वैल्यूज को कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की ये कैसे है। और इन वाई की वैल्यूज या बी की वैल्यूज या जी की वैल्यूज के बेसिस पर ही इनका बेटे हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो यू माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि आयरन या स्टील को आप बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज करते हैं, तो इसकी जगह पर कोई और क्यों नहीं कर लेते। तो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। कॉस्ट का फैक्टर भी होता है, इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है, यंग्स मॉडुलस वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करके रखते हैं, और उसके बाद सबके बाद रादर डिजाइन कैसे करना है दैट प्लेज ए मेजर रोल बेटा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे का सारा ये जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करके डिजाइन किए जाते हैं। आपने एक मेटल का वायर अज्यूम किया और आपने बेटे इस पे जो साथ अटैच कर दिए स्लॉटेड वेट्स अटैच किए हैं आपने। ये जो स्लॉटेड वेट्स हैं बेटा ये आपके इस वायर पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप अल्टीमेटली इस वायर पर इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन F इज इक्वल टू एम इंटू जी के बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इसको आप अप्लाइड फोर्स कह लो डिफॉर्मिंग फोर्स कह लो, इट इज अप टू यू। इसका लेंथ बेटा डियर चिल्ड्रन जैसे हम ऑलरेडी अज्यूम करते आए हैं लेट इट बी एल, और जब आप इतना वेट अटैच करोगे तो नो डाउट बेटे एक्सटेंशन तो इसमें होगा ही होगा। और अगर एक्सटेंशन होगा इमेजिन कर लीजिए आपके ये स्लॉटेड वेट्स की वजह से जो आपने अप्लाई किए हैं इतना इसकी लेंथ में चेंज आ गया, इंक्रीज आपने नोटिस किया। अब हम बेटे ऑलरेडी अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट वगैरह हम बात कर चुके हैं ब्रीफली। मैं अगर बात करूं अगेन बेटे रिगार्डिंग द मटेरियल एंड द स्ट्रेंथ, आपने एक लिमिट तक अगर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया तो आपका वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर जाएगा, राइट बेटा। आप जिस पॉइंट तक जिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स तक आपका वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, वापस आ जाएगा, रिस्टोर कर लेगा अपनी इनिशियल लेंथ को, आप उसको बेटे प्रोपोर्शनल लिमिट कह देते हैं। जिस 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 हिसाब से आप स्ट्रेस इंक्रीज करी जा रहे हो उस हिसाब से आपका स्ट्रेन बढ़ी जा रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, कल हमने हुक्स लॉ में किया था। और जब तक ये आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता रहता है, यानी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस कम करोगे तो स्ट्रेन कम करेगा, आपका इस केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी जब तक मेंटेन्ड है उस स्ट्रेस तक आप कह देते हो कि आपका प्रोपोर्शनल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करोगे
तो आपका वायर जो है बेटा वो इतनी जल्दी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करता। रादर कई बार ये नोटिस किया गया है कि उसमें परमानेंट चेंज भी नोटिस जो है वो किया गया है, या चेंज परमानेंट आ जाता है, तो वो आपका परमानेंट सेट कहलाएगा। आइए साथ साथ ग्राफिकली इन पॉइंट्स को देखें भी। अगर आप बेटे वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस ले लो, मतलब आप इन एक्सिस पे स्ट्रेस या आपका अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली स्ट्रेस पे डिपेंडेंट है, कितना आप अप्लाई कर रहे हो। आपने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसको कंसिडर किया एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आपने जो आपका स्ट्रेन है इसको बेटा कंसिडर किया। सो आप मेरे पास आ जाइए इधर आप। हाँ जी, नहीं कुछ होना क्या है बेटे, मैं आपके पास बुला रहा हूं। मैं ये ओरिजिन है आपका बेटा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसे जैसे आप बेटे स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो, आपका स्ट्रेस देखिए यहां इतना आपने इंक्रीज किया और आपके वायर में इतना स्ट्रेन डेवलप हो गया, डायरेक्ट डिपेंडेंस है। आपने हुक्स लॉ में भी कहा था कि आपका जो स्ट्रेस है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेन, और जब तक आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये एक लिमिट तक है। उसके बाद अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद आपने मान लीजिए अपना स्ट्रेस और इंक्रीज कर दिया, तो आपके वायर में कुछ इस तरीके का बिहेवियर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्राफ थोड़ा टिल्ट होने लगता है, ग्राफ का एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट हो जाना इंडिकेट कर देता है पुत्र कि जब आप स्ट्रेस, अब इस पार्ट ऑफ द ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में ये वाला पार्ट में सिर्फ इतना स्ट्रेन आपने इंक्रीज किया, और डियर चिल्ड्रन इधर कॉरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेस देखिए ये आपका, सॉरी स्ट्रेस इतना बड़ा, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। राइट बेटा, अब आपका डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपके वायर में अब परमानेंट चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पे अपना अप्लाइड फोर्स एलिमिनेट कर दोगे, ये आपका हो सकता है कि वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर जाए, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप अगर इसको प्लॉट करोगे लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये पॉइंट मैं ओ डैश कह देता हूं, इतना आपके वायर में परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। इसको परमानेंट सेट भी कह देते हैं। इस पॉइंट को मैंने बच्चों ए बोल दिया, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। मैं आपको साथ साथ और गाइड करता जाता हूं, मैं लिखवा भी दूंगा बाद में, आप अभी पहले समझ लीजिएगा। अब आपका देखो ए तक तो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था, डायरेक्ट डिपेंडेंस थी, बी तक आपका इलास्टिक लिमिट आ गया, आपने इंक्रीज कर दिया स्ट्रेस और बढ़ा दिया, आपके वायर की डायमेंशन मतलब लेंथ में परमानेंट चेंज आने लग गया, उसने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को लेंथ को रीगेन नहीं किया, इतनी लेंथ उसकी आपको परमानेंटली बढ़ के मिल गई। इसके बाद आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप कहते हैं मैंने और आगे जाना है, स्ट्रेस और डालना है, आपने स्ट्रेस और डाल दिया और आपका वायर जो है दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस मैनर बेटा। अब आप स्ट्रेस कम इंक्रीज कर रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है वायर में, मतलब वायर इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक स्टेज पर जाकर वायर का थिनिंग स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका वायर जो है इट विल ब्रेक अवे बेटा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट बी डी, लेट दिस बी ई, लेट दिस बी एफ, समथिंग लाइक दिस, सी और डी पार्ट आपका इस बिहेवियर को इंडिकेट कर देते हैं कि आपका वायर जो है इट जस्ट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक ए विस्कस फ्लूइड, और डी के बाद आपके वायर में थिनिंग स्टार्ट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और बेटा यहाँ एफ के बाद आपका वायर ब्रेक कर जाता है। सो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आई हैं हमारी बेटा, इनको वन बाई वन जरा अगर हम देख लें। पहला है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट बेटा, इसकी बारे में बात करेंगे जरा। सेकंड हमारे पास है बच्चों इलास्टिक लिमिट। तीसरी बात है बेटा परमानेंट सेट। चौथी बात है हमारी बेटा
ये आपका जो वायर है इसका इट स्टार्ट्स यील्डिंग लाइक विस्कस फ्लूइड बेटा, और देन आपका जो है थिनिंग जो है ऑफ द वायर स्टार्ट हो जाता है, देन आपके पास आ जाएगा बेटी ब्रेकिंग ऑफ द वायर। वायर ब्रेक कब कैसे करेगा? प्रोपोर्शनल लिमिट में पॉइंट को बेटी फिर से पकड़ रहा हूं, पहला हमारा पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट में सिर्फ इतनी बात है कि आपका स्ट्रेन स्ट्रेस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है या स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कहा था विद इन द इलास्टिक लिमिट, हमने पहला वर्ड ही ये लिखा था, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना आपने। अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए फिर वायर में चेंज आना ही आना है परमानेंटली। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। वंस यू विल क्रॉस दैट इलास्टिक लिमिट फिर इनका डिपेंडेंस बच्चों डायरेक्ट नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे ए पॉइंट तक तो आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था बेटा, मतलब डायरेक्ट डिपेंडेंस है। बी पॉइंट तक आपका इलास्टिक लिमिट है, यहां तक अगर आप अपने वायर को डी लोड कर दोगे, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स जो आपने अप्लाई किया है उसको एलिमिनेट कर दोगे तो वायर वापस धीरे 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 ओ पॉइंट पर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप और ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं एंड देन आप स्ट्रेस इंक्रीज करने के बाद उस स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो इतना परमानेंट चेंज आपके वायर की डायमेंशंस में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ओ ओ डैश, इसको बोल देते हैं बेटे परमानेंट सेट। इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जनरली आपका जब भी सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपको ये बिहेवियर को एक्सप्लेन करने को कहते हैं, मे बी 2 मार्क्स में, मे बी 3 मार्क्स में, तो यू आर टू बी वेरी मच केयरफुल। बात मार्क्स की भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए मेटालिक बिहेवियर कैसे जो है हम अंडर स्ट्रेस स्टडी कर सकते हैं। देन बेटा सी डी, ये वाला जो आपका पर्टिकुलर पार्ट है ग्राफ का, ये इंडिकेट कर देता कि आपके वायर की इलोंगेशन स्टार्ट हो गई है, और जिस जगह पर आप अपने वायर को डीलोड कर दोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लोगे, तो आप उस पॉइंट से अपना ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको उतना परमानेंट स्ट्रेन मिलता चला जाएगा ये इस पॉइंट तक बेटे। और आपका इस पॉइंट के बाद बच्चों ये अगर बात करें तो यहाँ पे वायर आपका थिनिंग स्टार्ट हो जाता है वायर का। आपने स्ट्रेस जरा सा और इंक्रीज किया, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू पर आपके वायर में नेक डेवलप हो जाएगा। नेक का मतलब होता है थिन हो जाएगा वहां से, और जहां से थिन हो जाएगा फिर वहां से वो और ज्यादा थिनिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका वायर ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो मेटल की वायर का बिहेवियर है बच्चों, इस वायर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, इस मेटल की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आपकी मेटल की शीट्स बनाई जाती हैं, मेटल की वायर्स बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा मेटल के रॉड्स हैं, मेटल की वायर्स आपकी बाहर इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग पोल्स भी बनी हुई हैं, या आप बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज करते हो, या अगर ऐसा रूफ नहीं है तो वो मेटल की शीट्स का है, दैट इज आल्सो डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिहेवियर। सो ये सारे के इन सब के साथ साथ आपके डिफरेंट डिफरेंट मशीन पार्ट्स, जितने भी आप डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स देखते हो, वर्किंग मशीन्स, मैकेनिकल मशीन्स देखते हो स्पेशली, उनमें बेटा उन्होंने आपकी मशीन की एक अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, सेफ्टी फैक्टर, इट इज ऑल टुगेदर न्यू पॉइंट, इनको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया होता है, ताकि अगर आप उस लिमिट को क्रॉस भी करें तो भी हमारा थोड़ा सा जो है सेफ्टी लिमिट हम अपने पास रखते हैं। हम करेंगे बात विद इन अ मिनट और टू इन सब के बारे में। और जब आपका यहाँ से बेटे थिनिंग स्टार्ट हो गया, इसके बाद आपका वायर एफ पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। इस बिहेवियर के साथ ही रिलेटेड बेटे हमारी दो छोटी छोटी बातें और आती हैं, हमारा डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं उसको इस बिहेवियर के बेसिस पे ही डिसाइड कर लिया जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द डक्टाइल मटेरियल्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय द
ब्रिटल मटेरियल्स बेटा, डक्टाइल। आप लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ते होते थे कि देखिए जी, जिसको आप अंडर फोर्स आप जो आपने अप्लाई किया है, थिन वायर्स में डिजाइन कर लो, थिन शीट्स में डिजाइन कर लो, उनको आप डक्टाइल कह देते हैं। मेटल है, आयरन है, आयरन से आप बेटे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बना लेते हैं। आपके जो भी आप अपने राउंड अबाउट देख रहे हो ज्यादातर आयरन का ही बना हुआ है। तो आयरन एक ऐसा मेटल है जिसमें आपका ये वाला रेंज काफी ज्यादा है, सी और डी पॉइंट्स काफी वाइड है। सी और डी पॉइंट वाइड होने का मतलब है कि आप जितना स्ट्रेस इंक्रीज करते चले जाओगे आपके मटेरियल की थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप उसको इवन वेफर्स की फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हो। मेटल की शीट्स तो आपने देखी होगी बेटा, टेम्परेरी कई बार आपको किसी भी में भी आपका बेटे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे आपको टेम्परेरी रूफ बनाना है, हम क्या करते हैं कि सिंपली वो आयरन की शीट्स वहां पर आकर एज सच एडजस्ट कर देते हैं। आयरन की शीट्स बनाने के लिए क्या करते हैं वो मेटल को बेटा इस प्रॉपर्टी को यूज करके लॉन्ग 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 वेरी थिन शीट्स। अगर आप मार्केट में जाएं, आई होप कि आप वैसे नहीं गए होंगे, अगर आप जाएंगे स्पेशली इस मटेरियल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं, शीट्स के रिगार्डिंग, आपको वो कहेंगे कि आपको कितने mm की शीट चाहिए, 5 mm, 10 mm, 15 mm। mm का मतलब है कि उसकी थिकनेस वो बोल रहे हैं। अगर आपको ज्यादा थिन चाहिए आपको वो अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट एडजस्ट करके बताएंगे, अगर आपको थोड़ी और हैवी में चाहिए आपका वो mm मिलीमीटर के लिए टर्म है तो अकॉर्डिंगली आपको शीट वो प्रोवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से वो कॉस्ट आपकी एडजस्ट कर देते हैं। सो हमारा यहाँ पे मतलब कॉस्ट वगैरह के साथ बात करना नहीं, सिर्फ ये है कि अगर आप इस पार्ट को सी और डी पॉइंट को वाइड कर देंगे तो आपका थिनिंग स्टार्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी थिन करते चले जाइए और आप वही मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं जिनमें सी और डी पॉइंट्स दे आर फार अपार्ट, राइट बेटा। इसका डक्टाइल मटेरियल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका बेटे जो है, इट मे बी आयरन, इट मे बी अल्यूमिनियम, इट मे बी इवन गोल्ड। गोल्ड के साथ आप बहुत लंबी लंबी वायर्स बना लेते हैं बेटा। सो डक्टाइल मटेरियल्स पुत्र हैं क्या? डक्टाइल मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच पोजेस द लॉन्ग सेपरेटेड लॉन्ग सेपरेशन बिटवीन पी एंड डी पॉइंट्स। मैं ग्राफ के रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं बच्चों, सी और डी पॉइंट्स वाइडली सेपरेटेड है तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है ब्रेक होने से पहले की वो काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें बच्चों ब्रिटल मटेरियल्स की, और ब्रिटल मटेरियल्स में आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल ग्लास का आ जाता है। ग्लास सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास, अगर आप उस पर जरा सा भी फोर्स अप्लाई करो वो क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो बिल्कुल भी सी और डी पॉइंट्स ज्यादा सेपरेटेड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस उसके अल्टीमेट स्ट्रेस से ज्यादा डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा, इलोंगेट नहीं होगा, ये पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। तो वो मटेरियल जो अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस इलोंगेट हो जाएंगे वो सारे आपके डक्टाइल में आ जाएंगे, जो नहीं होंगे दीज आर ऑल ब्रिटल मटेरियल्स बेटा। ग्लास बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद आपके पास बेटे कुछ और ग्लास की टाइप्स भी हैं, फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स भी आते हैं क्रॉकरी आइटम्स में, तो वो सारी आपकी इसमें जो है एडजस्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपका सी एंड डी पॉइंट्स दीज आर वेरी नियर टू ईच अदर, ये फार अपार्ट नहीं है, इसका रेंज बड़ा कम है बेटा। एक बेटा आप लोग देखिए, आपके सिटी में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप अगर सिटी में इधर उधर जाएं तो चारों तरफ आप देखेंगे कि रोड जो है उसमें उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है, वो बड़े डीप डीप पिट्स बनाए हुए हैं और वर्कर्स लगे हुए हैं, और आपने वहां पे क्रेन्स भी देखी होंगी। क्रेन्स में आपने एक स्टील का रोप होता है लगा हुआ जो
पर्टिकुलर आइटम्स को उठाने में हेल्प करता है। किस क्रेन को कितने साइज का कितने रेडियस का रोप आपने लगाना है, दैट इज ऑल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लोड टू बी लिफ्टेड, अपर लिमिट एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटीरियल दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द डिजाइन ऑफ द रोप ऑफ द मशीन। आइए थोड़ी बात करके देखें इन टर्म्स ऑफ इट, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, वर्किंग स्ट्रेस क्या है और उत्तर हमारा सेफ्टी फैक्टर क्या है। सेफ्टी फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, तो आइए मैं वन बाई वन इसके बारे में बात कर देता हूं बेटा। हमारे पास सबसे पहले है बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक टर्म है हमारे पास बेटा ब्रेकिंग फोर्स। पहले मैं इन दोनों को ही बेटा एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे चलता हूं। ब्रेकिंग स्ट्रेस और बेटा ब्रेकिंग फोर्स क्या है। डियर चिल्ड्रन, अगर मैं सिंपल सी टर्म स्ट्रेस अज्यूम कर लूं, हमने कहा था स्ट्रेस आपका जो है मैकेनिकल स्ट्रेस जो है ये बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने सिंपल, मैं कोई स्पेशल टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इसके साथ मैं वर्ड लगा दूं ब्रेकिंग, इसके साथ भी लगा दूं ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो पुत्र अब इसको देखिएगा लेफ्ट साइड वाले को, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका जो है किसी भी मटेरियल का ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, मतलब आपके पास एक लिमिट है स्ट्रेस का, अगर आप उतना स्ट्रेस उस मटेरियल को दे देंगे उसके बाद वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको ज्यादा उससे स्ट्रेस वो बियर नहीं करेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल है, चौक का पीस है, वैसे तो चौक आपका इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मैंने स्ट्रेस डाला, मैं इसके ऊपर ये ब्रेक कर गया, राइट बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैक्सिमम स्ट्रेस ये बियर कर सकता था उतना इसने किया, अगर उससे ज्यादा हमने अप्लाई किया तो ये ब्रेक हो गया। इट मींस कि इस मटेरियल की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उसकी एक फिक्स वैल्यू है, और अब ध्यान दीजिएगा, और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है आपकी बेटा ये मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, बिकॉज इसलिए ये कॉन्स्टेंट है। अब एक और इसकी सही इमेजिन करिएगा सिचुएशन, ये चौक का पीस है, मान लीजिए आपने से एबीसी कोई और भी यहाँ पे आप टीच कर रहे हैं, या आप ही लिख रहे हो यहाँ पे, आप कहते नहीं जी ये चौक तो बड़ा मोटा है मैं नहीं इसके साथ लिखना चाहता, आप जैसे पेन आपका थोड़ा सा थिन होता है इससे कंपैरेटिवली, अगर चौक की थिकनेस को कम कर दिया जाए तो अल्टीमेटली आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो मटीरियल की स्ट्रेस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आपका ब्रेकिंग फोर्स अपने आप को उस हिसाब से कम कर लेगा, ये कम फोर्स लगाने पे टूट जाएगा अभी जितना लगाया था मैंने। इसका मीनिंग बेटे ये हुआ, आपका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो ब्रेकिंग फोर्स है ये बेटा वेरी कर जाता है, और इसको हम और कैसे कह सकते हैं कि ये वेरी कर जाता है, आइए मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिख देता हूं बेटा, आपका जो ब्रेकिंग फोर्स है ये पुत्र आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, अगर आप अपने वायर को या मटेरियल को थिन कर दोगे तो ए कम हो जाएगा, आपका ब्रेकिंग फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो गया, अगर आप इसको थिक कर दोगे तो ये ब्रेकिंग फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब अगर आपने क्रेन में जो लोड लिफ्ट करने के लिए बनी है आपने ज्यादा लोड लिफ्ट करना है, आप मोटी रोप मेटल की यूज करेंगे जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी, और अगर आपने उसको छोटे मोटे कामों के लिए यूज करना है तो आपको ज्यादा थिक रोप की जरूरत नहीं है। सो ये आपका ब्रेकिंग फोर्स एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस का आपका कंसेप्ट है। एक हमारा बेटे टर्म आता है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब है कि मैक्सिमम स्ट्रेस आपका जो है वो मटेरियल कितनी बियर कर सकता है, उसको ही आप रादर ब्रेकिंग स्ट्रेस कह देते हैं। जैसे स्टील है, स्टील में आपका 3×10^8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस इज
अल्टीमेट स्ट्रेस या आप ब्रेकिंग स्ट्रेस कह लें, एक ही बात है, इतना आपका स्टील मटेरियल के लिए एग्जिस्ट करता है। सो बेटा आप अब देख लो कि अगर आपको कम लोड उठाना है तो आप उसको एरिया को कम कर दो, आपका उससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा वो। अगर आपको ज्यादा बड़ी हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए क्रेन डिजाइन कर दी है तो आप इसको ज्यादा थिक कर दीजिए। एक और टर्म है सेफ्टी फैक्टर। मैकेनिकल या सिविल वर्क आप कर रहे हो, आप आयरन के साथ स्टील के साथ डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है काम पर, हजारों वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी ध्यान में, ठीक है जी। सेफ्टी को अपने डेली लाइफ में इन पर्टिकुलर जो आपके ऑपरेशंस हैं इनमें खास करके बेटा मेनली अंडर कंसिडरेशन रखने के लिए एक सेफ्टी फैक्टर जो है ये डिस्कस किया जाता है। इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व रहती हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। बेटा एक आ जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक आ जाता है वर्किंग स्ट्रेस। आपको पता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस आपके मटेरियल का कितना है, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया करके आपने निकाल लिया, आपके पास टेबल बना पड़ा है, आपकी कॉपी पे है, बुक पे, आपको पता है कितनी वैल्यू है। फिर आपने क्या किया, अपने मशीन को जो आप यूज कर रहे हो उसको आप जब ऑपरेट कर रहे हैं तो वो आपका वर्किंग स्ट्रेस हो गया, इसकी इसके साथ जो रेशो है दैट इज कॉल्ड सेफ्टी फैक्टर। आपका जो सेफ्टी फैक्टर है ये बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस, इसको आप कह देते हो। और बच्चों इसको 10 से कम नहीं रखा जाता, कभी भी 10 से कम नहीं रखते, इट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 10। क्या मतलब क्या है इसका, वो कहना क्या चाहते हैं इसकी टर्म्स में, थोड़ा सा समझिएगा। काम करते टाइम जब आप क्रेन को ऑपरेट कर रहे हो या कोई और मैकेनिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं तो कई बार बेटे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, विंड है, या कई बार प्रेशर या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ गया, या कोई और अननोन फैक्टर्स हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अपना रोल प्ले करती है। तो अगर आप जितनी स्ट्रेस पे काम कर रहे हो मैकेनिकल स्ट्रेस पे उससे 10 गुना ज्यादा भी बढ़ जाएगी तो भी आपका मशीन फेल नहीं होगा, ठीक है जी। 10 गुना वैसे बढ़ेगी नहीं, विंड का, टेम्परेचर का, जी का इफेक्ट अगर आप देखें तो इतना ज्यादा होता नहीं है, मे बी 1 or 2 तक चला जाएगा, फिर भी आपके पास 10 या राउंड अबाउट 10 का सेफ्टी फैक्टर है, आप वहां पर सेफली काम कर रहे हैं। और अगर आपका कहीं वर्किंग स्ट्रेस जो है इससे बढ़ गया फिर आपका मशीन ब्रेक कर जाएगा, दैट विल नॉट वर्क, देन एक्सीडेंट हैपन। मान लीजिए कोई क्रेन ए बना बी काम के लिए है, आपने उसको ए काम पे लगा दिया, उसको बंदे को नहीं पता सेफ्टी फैक्टर का, तो फिर प्रॉब्लम होगी बेटा। तो एक और भी इसके साथ ही साथ बेटे चीज आ जाती है, इलास्टिक फटीग, आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। इलास्टिक फटीग, फटीग वर्ड को अगर हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है थक जाना। आप पीरियड लगा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पीरियड लगाए, आपने खाना वाना खाया, थोड़ा आप रिफ्रेश हो गए, फिर आ गए, फिर आप कहते हैं अब नहीं जी ठीक है और लगाएंगे हम पीरियड, आपने 4-5 और लगाए, फिर आपने रिपीट किया, आप कितना टाइम ऐसे करोगे, 2, 4, 5, 10 बार कर लोगे। अल्टीमेटली हमें बायोलॉजिकली वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स बेटा, तो वो आपका जो है एक स्ट्रेस लेवल या आपका जो है फटीग रादर आप में साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप थक जाएंगे रादर। ऐसे ही मशीन्स भी होती हैं। अब आप कहोगे मशीन कैसे थक जाती है जी, उसमें ये है कि जब आप रिपीटेडली उसको स्ट्रेस दे रहे हो, रिपीटेडली आपने एक दिन उससे 10 घंटे कुछ काम लिया, वो आपने बार बार स्ट्रेस दिया, उसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ, फिर उसने ओरिजिनल अपनी कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ली। जब आप रिपीटेडली किसी भी मशीन को स्ट्रेस दे रहे हो
तो वो धीरे धीरे 1, 2, 4, 5, 10 साल के बाद थक जाती है, उसमें एक इलास्टिक फटीग डेवलप हो जाता है। उसके बाद वो बेटा अपनी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उससे पहले ही उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, टूट जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार ओल्ड ब्रिजेस जो हैं स्पेशली दे आर डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर द पब्लिक यूज आफ्टर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स होता है। वैसे तो 20 साल के बाद जितने जितने भी आपके हैवी कंस्ट्रक्शंस हैं स्पेशली फ्लाईओवर वगैरह जो हैं, मैं इन नए वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने वालों की कर रहा हूँ, उनको 20 ईयर्स या कुछ 50 ईयर्स का कुछ टाइम स्पैन है, उसके बाद अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर। क्योंकि आप जब उसमें से हैवी ट्रैफिक बार 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 निकाल रहे हैं, आप उसको बार 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 स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से इसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है बार बार, और वो इलास्टिकली फेटीग हो जाता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स। और फिर उसके बाद अगर हैवी ट्रैफिक निकलेगा तो दैट विल कोलैप्स। सो ये बातें करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे हमारा पर्पस था सेफ्टी फैक्टर के बारे में बात करना। जब भी कोई भी मैकेनिकल काम करें, कोई भी काम करें, सेफ्टी फैक्टर को अपनी पॉकेट में रखें। पॉकेट में रखने का मतलब ये नहीं कि हमने जेब में सच में डाल लेना है, इतना आप अपने पास प्रोविजन रखते हो कि अगर 10 टाइम्स बढ़ भी जाए तो भी हम वर्किंग जो है वो सेफ रहे। राइट बेटा, सो आज बेल टाइम पे हुई है। थैंक यू ऑल, बाकी कल करते हैं बात।